नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। बड़वानी जिले के ठीकरी नगर परिषद की आंगनवाड़ी क्रमांक 5 में कार्यकर्ता समीन खान, बिंदु जादम और शीतल गुप्ता के द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गर्भवती धात्री, किशोरी, बालिका एवं अन्य महिला और पुरुषों को आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्हें पोषण से संबंधित 10 आहार समूहों के बारे में बताया गया एवं कुपोषण, गर्भावस्था से लेकर जन्म से 2 वर्ष तक के 1000 दिवस के बारे में THR से बने व्यंजन एवं एनीमिया मुक्त भारत पर चर्चा की गई एवं भजन मंडली द्वारा पोषण गीत गाए गए। पोषण वाटिका लगाने के बारे में बताया गया, स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गई, महिला बाल विकास के अंतर्गत योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मेरा नाम शमीना खान है, मैं टिकरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरे साथ शीतल गुप्ता और बिंदु जादम हैं। हम लोग 1 सितंबर से लगा के 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह बना रहे हैं, जिसमें हमने महिला मतलब ग्राम की सभी महिलाएं, गर्भवती धात्री, अन्य महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, छोटे बच्चों के माता पिताओं को बुलाया गया है। इसमें हमने राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में बताया गया है कि जो पोषण है, पोषण की स्थिति हमारे देश में सबसे ज्यादा खराब है, जो कि एनीमिया होता जा रहा है। तो हमने इस लक्ष्य को रखते हुए और कुपोषण को दूर करते हुए हमने महिलाओं को बुला के पोषण माह के बारे में बताया, जिसमें मतलब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 प्रकार का पोषण लेते हैं, जबकि महिलाओं को कम से कम 10 आते हैं पोषण प्रकार, तो वो ना लेकर नहीं ले पाती हैं। तो कम से कम 5 प्रकार के तब भी ले महिलाएं अपने भोजन में, और उससे उनके भोजन की स्थिति में सुधार होगी, उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगी। और हम बच्चों को, माताओं को भी बुलाते हैं, जो बच्चे कुपोषित है उनकी माताओं को भी बुला के बताते हैं कि बच्चों को कुपोषण किस प्रकार से दूर करें। उनको हमने बताया गया और वजन के माध्यम से हम हर महीने वजन भी लेते हैं 1 से 10 तारीख के बीच में। उनमें हमने महिलाओं को बुलाया, उनको बताया गया, उनसे बच्चों की जो पोषण की स्थिति है वो साझा की गई है और उनको बताया गया कि आपका बच्चा इस श्रेणी में है। अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उसकी माता को बता के हमने बताया कि आपका बच्चा कुपोषित है और बच्चे को कौन कौन सा खाना चाहिए और किस प्रकार का खाना देना चाहिए, और अगर बच्चा ज्यादा नहीं हो रहा है ठीक तो उसको हम NR से रेफर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम हमारे यहाँ पे गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनको हम, और जैसे बच्चे हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को हम THR देते हैं, तो कुछ महिलाएं THR ले जाती हैं, तो उनको हमने अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के बारे में भी बताया गया है कि THR से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट।